अभी इसी तरह हमारे पास 22 नंबर है, ओके। तो देखो 22 में क्या मिला हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड में एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अभी आप देखो डिवाइड में एक्स माइनस वन है, अभी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें भी आपको यही सोचना है डिवाइड में जो एक्स माइनस वन है वो ऊपर भी लेके आना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस तरह कर सकता हूं, ये इंटीग्रेशन ऊपर जो है एक्स क्यूब सेम रखा, नीचे एक्स माइनस वन सेम रखा, फिर क्या किया मैंने इस तरह कर रहा हूं माइनस वन प्लस वन। अभी माइनस वन प्लस वन क्यों किया, क्योंकि डिवाइड में मुझे क्या लाना है एक्स माइनस वन। जैसे कि ये फॉर्मूला आप सीख क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी फॉर्मूला क्या होती है एक ब्रैकेट में आता है एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस है तो चलो फॉर्मूला हम माइनस वाली ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस लेता हूं, दोनों ही मीन्स खाली थोड़ा ही प्लस माइनस का ही फर्क होगा और कुछ भी नहीं भाई। एक ब्रैकेट में मीन्स यहाँ पे एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब है, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स माइनस वाई, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, इन दोनों का इंटू होता है एक्स बार, लास्ट में हमेशा प्लस वाई की स्क्वायर, ओके। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब उसकी फॉर्मूला है, ये आप सीख के आए, ओके। अभी जैसे कि मैंने माइनस वन रखा, रीजन यही, अभी देखो एक्स क्यूब माइनस वन है मतलब मैं क्या करूं वन की क्यूब मतलब क्या होता है वन ही होता है, बरोबर ना। तो अभी इसको क्यूब है इसको क्यूब है, तो इस हिसाब से फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, एक ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वन, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, इन दोनों का इंटू, एक्स को वन से इंटू करूंगा तो एक्स आएगा, लास्ट में हमेशा प्लस वन की स्क्वायर, वन की स्क्वायर वन होता है। तो देखो इसको सॉल्व किया तो देखो एक्स माइनस वन आया, हमारे को डिवाइड में एक्स माइनस वन ही दिया हुआ है, तो वो लाने के लिए ही एक्स माइनस वन लाने के लिए ही मैंने क्या किया माइनस वन एंड प्लस वन इसकी वजह से, ओके। ये मैंने आपको ध्यान रखना है। तो अभी देखो किस तरह करेंगे हम, ये इंटीग्रेशन में इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड में एक्स माइनस वन प्लस वन डिवाइड में एक्स माइनस वन। क्या किया मैंने एक्स क्यूब माइनस वन लिया और डिवाइड में सेम, यहां पे प्लस सेम वन डिवाइड में एक्स माइनस वन, ओके इस तरह किया। फिर क्या करूंगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन इसकी फॉर्मूला जैसे मैंने एक्सप्लेन की वही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आएगी एक्स क्यूब माइनस वन की फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस वन, ठीक है, एंड डिवाइड में एक्स माइनस वन, फिर प्लस वन डिवाइड में एक्स माइनस वन, ओके। तो इस तरह हम रखेंगे। तो अभी पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है मेन आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी सॉल्व नहीं होंगे तो डिवाइड में जो मिला हुआ वो लेके आना है हमें, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ता है। तो देखो x माइनस वन कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा वो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। x माइनस वन कट हो गया, रिमेनिंग क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड प्लस ये सेम रहेगा वन डिवाइड में एक्स माइनस वन, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल, फिर देखो क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स रेस टू एन वाली फॉर्मूला है, एन प्लस वन तो यहाँ पे टू है तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, मीन्स एक्स की थ्री नीचे भी थ्री हो जाएगा, टू प्लस वन किया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे भी एक्स की कौन सी पावर है वन पावर है, तो वन पावर है तब एक्स की टू डिवाइड में भी टू, वन प्लस वन मतलब टू हुआ डिवाइड में भी टू आएगा, फिर प्लस वन का वन एक्स देखो या सिर्फ एक्स देखो बात एक ही है, कॉन्स्टेंट टर्म हो टू हो तो टू एक्स, बराबर ना। फिर प्लस वन डिवाइड में एक्स माइनस वन है तो क्या होगा लॉग एक्स माइनस वन, और एक्स के साथ वन है डिवाइड में वन लिखने की जरूरत नहीं है, एंड पीछे प्लस सी, ओके। तो यहां पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया।